ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री सहित देश विदेश के नामी निवेशकों के स्वागत के लिए धर्मशाला शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए शहर की दीवारों पर रंग बिरंगे रंगों से ऐतिहासिक कांगड़ा पेंटिंग बनाई जा रही है। धर्मशाला शहर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांगड़ा पेंटिंग को दीवारों पर किया जा रहा हो। इससे पहले अति दुर्लभ और विशेष प्राकृतिक रंगों से की जाने वाली पेंटिंग को कनेवश पर ही कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उतारा जाता है। गांधी नेहरू वाटिका, बस स्टैंड कोतवाली बाजार चौक, पुलिस थाना धर्मशाला की सुंदरवादियों को पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन के बाहर दीवारों पर राधा कृष्ण की अटखेलियों की पेंटिंग बनाई गई है, जिसने अभी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। शहर में आने वाले लोग बड़े उत्साह से पेंटिंग को निहार रहे हैं और पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों की प्रशंसा कर रहे हैं, साथ ही पेंटिंग के साथ सेल्फी व फोटो भी ले रहे हैं। शहर के सभी विभागों, चार दीवारियों, मुख्य पार्कों और बाजारों और महत्वपूर्ण स्थानों को लाइटिंग व खूबसूरत रंगों से सजाया गया है। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण स्थानों में पेड़ पौधों में भी खूबसूरत लाइटिंग की गई है, जिससे शहर जगमग हो गया है। सड़कों, दीवारों के साथ पार्कों को भी खूब सजाया जा रहा है। शहीद स्मारक और विवेकानंद पार्क को भी पूरी तरह से चमका दिया गया है। साथ ही साथ गग्गल हवाई अड्डे से लेकर मैक्लोडगंज तक सड़कों की मुरम्मत पर लिपाई पुताई करके चमका दिया गया है। शहर को कांगड़ा की सुंदर पेंटिंग में तो कहीं सड़कों के किनारों में लगे पेड़ पौधों को रंग बिरंगी चमकती लाइटों से सजाया गया है। शहर में 27 अक्टूबर की दिवाली के बाद एक बार फिर से दिवाली की रौनकें लौट आई है। बिलासपुर में गुंडागर्दी वर्तमान समय की चरम सीमा गुंडागर्दी पर पहुंच चुकी है। गुंडागर्दी की घटनाओं का सरेआम नंगा नाच देखने को मिल रहा है। आपको हम बताते चले कि कुछ दिन पूर्व बिलासपुर में बस अड्डे पर सरेआम कुछ दबंग युवकों ने चालक परिचालक की पिटाई की घटना को अंजाम दे डाला था। अब दबंगों ने नशा माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के नाम पर कानून को अपने हाथों में लेकर बिलासपुर के कोठी चौक के समीप दो युवकों को कुछ गुंडों ने अगवा करके उपरांत उन्हें बंदी बनाकर करीब 6 घंटे बेरहमी से पीट डाला। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बात यही तक समाप्त नहीं होती, अपितु एक युवक की मां भी घटना की जानकारी मिलने के उपरांत घटना स्थल पर पहुंची। हालांकि अपने लाल को बचाने की प्रति पुलिस को सूचित करने के उपरांत वहां पहुंची, मगर उसके साथ भी दबंगों ने अभद्रता करने के अलावा मारपीट की। पुलिस को उसने सूचित किया था कि मगर हैरत में डालने वाली बात तो यह है कि पुलिस पहुंचने के उपरांत भी दबंगों ने युवकों के साथ मारपीट जारी रखी। वहां पर गए पुलिसकर्मी तमाशबीन बनकर मौन रहे। उन्होंने युवकों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। यहां तक कि 3 दिन का समय बीत जाने उपरांत भी पुलिस ने दबंगों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाना उचित नहीं समझा। इस सिलसिले में पीड़ितों के परिजनों सहित पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीण जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल से मिलने पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। जिलाधीश राजेश्वर गोयल ने तुरंत एपी साक्षी वर्मा से दूरभाष पर बात कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए। रमेश यादव को मंडी जिला प्रारूप कार संघ का अध्यक्ष चुना गया है। एनजीओ भवन मंडी में हिमाचल प्रदेश प्रारूप कार संघ की जिला कार्यकारिणी के चुनाव प्रदेशाध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें रमेश यादव को सर्वसम्मति से प्रधान, प्रताप सिंह को वरिष्ठ उप प्रधान, चेतराम को महासचिव, जय सुखलाल और शांता देवी को उप प्रधान, प्रवीण कुमार को कोषाध्यक्ष, हंसराज को मुख्य सलाहकार तथा पंकज तिलक शर्मा, जगदीश कुमार, मेघ सिंह, ब्रिजलाल, पुनीत शर्मा, रोशन लाल, सुरेश कुमार, प्रवीण कुमार, भगत राम, दिनेश कुमार, तुलसीराम, हुक्म चंद और घनश्याम सिंह को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया है। रमेश यादव ने अपनी ताजपोशी के लिए सभी प्रारूपकार कर्मचारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी और आईपीएच विभाग के प्रारूपकारों को जो भी मांगे और समस्याएं होंगी उन्हें सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को राज्य कार्यकारिणी के गठन के बाद मांग पत्र तैयार किया जाएगा।
चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने आए प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर ने जिले की नई कार्यकारिणी को बधाई दी। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को ऊना में राज्य कार्यकारिणी के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने सभी जिलों के डेलीगेट से भाग लेने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई कार्यकारिणी को सभी के सहयोग से चुना जाएगा।